हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सभी लोग। चलो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड से। नाउ आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल 39 डिवाइडेड बाय 3। 3 से हमें 39 को डिवाइड करना है बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। सो 3 वन्स 3 का टेबल हमें रीड करने का है। 3 वन्स 3, 1s मीन्स 1, एंड इसका हो गया 3 वन्स 3 मीन्स 3 माइनस 3 0, ये हो गया। फिर नेक्स्ट रह गया क्या, 9 रह गया, तो 3 का टेबल फिर से हमें 9 आने तक रीड करने का है। 3 वन्स 3, 3 टू 6, 3 थ्री 9, 3 थ्री 3 मीन्स 3, सो 3 थ्री 9, 9 माइनस 9 0। ये जो 9 माइनस 9 0 है ना, ये हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, ये हमारे माइंड के अंदर ही हमें करने का है। इसे बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। समझ में आ गया? ओके, नाउ आई एम टेकिंग हियर सेकेंड एग्जाम्पल। 75 डिवाइडेड बाय 5। 75 को 5 से डिवाइड करने का है, तो 5 का टेबल अभी रीड करो। 5 वन्स 5, 5 टू 10। हमें 7 से ज़्यादा नहीं लेने का है, तो हमें 7 से ज़्यादा नहीं लेने का है, इसलिए 5 वन्स 5, 5 टू 10, 10 ये ज़्यादा होता है 7 से, तो इसलिए हमें 5 वन्स 5। तो 5 वन्स 5, वी डोंट राइट हियर 5, वी कीप इन आवर माइंड एंड सब्ट्रैक्ट इन आवर माइंड आल्सो। तो 7 में से 5 गए, कितने रह गए देखो, काउंट करो। अगर आप फिंगर काउंट करके आंसर निकाल सकते हो तो फिंगर काउंट करके आंसर निकालना है, नहीं तो ऐसे लाइन मार के आप आंसर निकाल सकते हो, तो लाइन मार के निकालना। तो हम लाइन मार के निकाल लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कितना है यहाँ पे 7। 7 में से हमें कितना निकालने का है, 5 निकालने का है। तो 1 गया 2 3 4 5 गए, तो कितने रह गए, 2 रह गए। तो यू राइट डाउन हियर 2। 2 हमें यहाँ पे लिख कर उसे सर्कल बनाने का है। तो ये कितना हो गया अभी, 25 हो गया है ना। तो 25 हो गया, तो 25 को हमें 5 से डिवाइड करने का है। तो 5 5 वन्स 5, 5 टू 10, 5 थ्री 15, 5 फोर 20, 5 फाइव 5 5 5 मीन्स 5, 5 5 25। सो हियर 25 माइनस 25 0। दिस इज द शॉर्ट डिविजन मेथड, सो यू डोंट राइट हियर, ओनली कीप इन योर माइंड एंड यू ऑल्सो सब्ट्रैक्ट इन योर माइंड ऑल्सो, ओनली यू राइट डाउन हियर आंसर। तो इसका आंसर क्वेश्चन बोलते हैं उसे, तो इसका आंसर कितना आया, 15। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको बेटर समझाने के लिए हमें एक 3000 एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट ले लेंगे 38 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 38 को 2 से डिवाइड करने का है, तो हमें 2 का टेबल रीड करने का है 3 आने तक, 3 से ज़्यादा नहीं लेने का है हमें। तो 2 वन्स 2, 2 टू 4, 2 टू 4 3 से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, 2 वन्स 1 मीन्स 1, 2 वन्स 2। तो हमें 3 माइनस 2 करने का है इन आवर माइंड, ओके। तो 3 में से 2 गए, कितने रह गए, 1 रह गया है ना। तो 1 को यहाँ पे लिख कर यहाँ पे सर्कल बना दो, ये हो कितना हो गया फिर, 18 हो गया। तो 2 का टेबल रीड करने का है 18 आने तक, तो चलो रीड करो। 2 वन्स 2, 2 टू 4, 2 थ्री 6, 2 फोर 8, 2 फाइव 10, 2 सिक्स 12, 2 सेवन 14, 2 एट 16, 2 नाइन 18। यहाँ पे कितना है, 18 है। तो 2 नाइन 18, 2 टेन 20, 20 ये ज़्यादा हो जाएगा 18 से, है ना। तो इसीलिए हमें क्या लेना है, 2 नाइन 18। तो 18 माइनस 18 कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, आंसर आ गया 19।
समझ में आ रहा है ना? आगे का एग्जांपल लेने से पहले मेरा एक आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना है और साथ में जिंगल बेल भी दबाना है, इससे आपको मेरे वीडियो जो भी है वो आपके मोबाइल में आ जाएंगे और आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेंगे 68 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से 68 को डिवाइड करने का है, तो 4 का टेबल रीड करने का है 6 आने तक। तो 4 वन ज 4, 4 टू ज 8, 8 इज मोर देन 6, सो 4 वन ज 4। तो यहाँ पे 6 माइनस 4 करने का, अगर 6 में से 4 निकालने का है तो कितने रह गए, 6 में से 4 गए तो 2 रह गए। यू राइट डाउन 2 हियर, मेक देम सर्कल एंड कितना हो गया नंबर, 28 हो गया है ना। तो 28 आने तक 4 का टेबल हमें फिर से रीड करने का है। तो 4 वन ज 4, 4 टू ज 8, 4 थ्री ज 12, 4 फोर ज 16, 4 फाइव ज 20, 4 सिक्स ज 24, 4 सेवन ज 28। 4 सेवन ज कितना है, 28। तो 28 माइनस 28 कितना हो गया, 0। तो इसका आंसर आ गया 70। ओके चिल्ड्रन, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू सी वर्ड्स प्रॉब्लम।